तो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ का लीनियर इक्वेशंस का ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब क्वेश्चन क्या पढ़िए, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons एंड आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2x द सम ऑफ हिज 2 children। फाइंड द एज ऑफ फादर, वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फादर्स एज, हम फादर की एज को x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, x years, फादर की एज को हमने x years एज्यूम कर लिया, एंड सम ऑफ टू चिल्ड्रन इसको हम लोग y ले लेते हैं, चलो ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज इज इक्वल टू 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। आगे ध्यान से पढ़ो, आफ्टर 5 years, क्या लिखा है, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, तो 5 साल के बाद होगा क्या, फादर्स एज क्या बनेगी, फादर्स एज बन जाएगी, अभी कितनी एज है, एक्स ईयर्स है, तो 5 साल बाद फादर की एज बनेगी एक्स प्लस 5 years, ठीक है, एक्स प्लस 5 years, एंड सम ऑफ 2 children, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children कितना बन जाएगा, y प्लस 5 कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2x द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children, मतलब कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 times y प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, बढ़िया। 2y को LHS में लेके आ जाओ तो क्या बनेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, इस 5 को RHS में लेके चले जाओ, 10 माइनस 5 5 आ गया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके अंदर गलती क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गलती क्या है, हमारे पास दोनों इक्वेशन मिल गई है, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखो, हमारी एक इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। हम सब्ट्रैक्ट अगर कर लें, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, साइन सेकेंड इक्वेशन के चेंज जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एंड प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, x x एलिमिनेट हो गया, माइनस 3y और प्लस 2y कितना हुआ, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा, y कितना आ गया 5, इसका मतलब अगर y 5 है तो x कितना होगा, यहाँ पुट कर लेते हैं, x हो जाएगा बेटा कितना, 3 5 15। अब खुद सोचो, x कौन है, फादर है, तो फादर्स एज कितनी आई, फादर्स एज कितनी आई बेटा 15 years, एंड सन्स एज कितनी आई, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons ना, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 sons इज इक्वल टू कितना आया, 5 years। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फादर बेचारा 15 साल का हो जाए, नहीं हो सकता ना, फादर 15 साल का है, बच्चे 5 साल के, है ना, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं गलती की है, मैंने तो जानबूझ के की, आप बताओ इसके अंदर गलती क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या है। देखो, हमने फादर की एज को x लिया, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 children में y लिया। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3y उसने बोला हुआ है, फादर्स एज विल बी 3 times, है ना, इज 3 times द एज ऑफ 2 children, तो x इक्वल टू 3y ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 भी ठीक है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा, फादर की एज में 5 ऐड हो जाएगा, पक्की बात है। अगर मान लो आज आप 15 साल के हो
तो 5 साल बाद बेटा 20 साल की हो जाएगी, सीधी बात है। तो यहाँ पर भी देखो, अगर वो आज फादर एक्स ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद वो कितने के होंगे, एक्स प्लस वाई के होंगे। लेकिन इस स्टेप में गलती है, देखो सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, यहाँ पर दो बच्चे हैं तो मतलब अगर एक बच्चे में 5 इंक्रीज होगा दूसरे में भी 5 इंक्रीज होगा, मतलब यहाँ पर y प्लस 5 ना आ करके y प्लस 10 आना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, है ना। यहाँ पर लिखो y प्लस 10, ऐसा कर मतलब ये तो आंसर आपका गलत है पक्का, ये आंसर रॉन्ग है बेटा, ठीक है। y प्लस 10 आ गया, अब यहाँ पर क्या करोगे, y प्लस 10, 2 को y से के 2y, 2 को 10 से करने पर 20 आ जाएगा, राइट। आगे देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, मतलब 15 आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी ये ना हो करके x माइनस 2y इक्वल टू 15 हो जाएगी, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या होगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन ये वाली होगी, ये सही इक्वेशन है, क्या इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, देखो ये माइनस साइन, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, x x कट गया, माइनस 3y और प्लस 2y कितना होता है, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा तो y कितना आएगा, 15। तो अगर y 15 आ गया इसका मतलब x कितना होगा, y 15 आ गया ना, इस 15 को यहाँ पर पुट कर दो बेटा, तो x कितना आएगा, x आएगा बेटा 3 × 15, दैट इज 45। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है फाइंड द एज ऑफ फादर, हेंस फादर्स एज इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हेंस फादर्स एज इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।